तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने अदालत से मांगी जमानत, तो दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्राजील से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, ब्राजील ने भारत की कोरोना वैक्सीन को बताया बेकार, समझौता भी कर लिया है खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने किया ऐलान, भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को होना होगा एक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी कि मोदी अमित शाह कृषि कानून करे रद्द, नहीं तो 35 महीने चलेगा किसानों का आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर में भाजपा को लगा बड़ा झटका, मणिपुर में कांग्रेस के किसी भी विधायक ने नहीं छोड़ी पार्टी, भाजपा ने किया था 9 विधायक को बीजेपी में शामिल करने का ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा के सहयोगी दल ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें, त्रिपुरा में अलग राज्य की भाजपा के सहयोगी दल ने कर दी है मांग। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने मांगी अदालत से जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले साल दिल्ली में दंगा हुआ था, दंगे के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने अदालत से जमानत मांगी है। वहीं इस जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब पिछले साल दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो लोगों की जान बचाने के लिए शाहरुख पठान ने पिस्तौल तानी थी पुलिस वालों पर, जिससे कई लोगों की जान बची थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि इन्होंने कांस्टेबल को हत्या करने की मंशा से जो है पिस्तौल तानी थी, लेकिन शाहरुख पठान ने इससे इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पिछली दो बार शाहरुख पठान ने अदालत से जमानत मांगी, लेकिन अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जबकि शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में CAA के विरोध में जो लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर दो हिंदू व्यक्तियों ने दो बार गोली चलाई थी, लेकिन उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। और शाहरुख पठान ने गोली भी नहीं चलाई थी, सिर्फ जो है तमंचे को ताना था पुलिस पर, और इसको जमानत दिल्ली जो है अदालत नहीं दे रही है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्राजील से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, ब्राजील ने कोवैक्सीन लेने से किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ब्राजील से कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन खरीदने का जो समझौता किया था उसे खत्म कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत बायोटेक की बनी कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में ब्राजील में सफल नहीं हुई है, और इस वैक्सीन के जो अच्छे रिजल्ट थे वो नहीं आए हैं, जिसके चलते ब्राजील ने भारत की इस वैक्सीन को खरीदने से इनकार कर दिया। और जो भारत बायोटेक के साथ ब्राजील का समझौता हुआ था 1.5 करोड़ वैक्सीन खरीदने का, वो समझौता भी ब्राजील ने रद्द कर दिया है, और ब्राजील ने भारतीय बायोटेक की बनी हुई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा झटका मोदी सरकार को ब्राजील से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, त्रिपुरा में भाजपा के सहयोगी दल ने अलग राज्य की अमित शाह से की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें, यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से भाजपा के सहयोगी दल ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में भाजपा के साथ गठबंधन में IPFT पार्टी है, और इस पार्टी ने अब त्रिपुरा में अलग राज्य की अमित शाह से मांग कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि IPFT पार्टी के 4 सदस्य नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, और अमित शाह से मिलने के बाद त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र के तिपर लैंड बनाने की अलग मांग कर दी है। उन्होंने कहा जो तिपरा लैंड जो जिला है उससे मोदी सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा दे और इसको अलग राज्य बनाए। ये राज्य के भूभाग का 2/3 क्षेत्र है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर इसको अलग राज्य मोदी सरकार ने बढ़ा दिया तो त्रिपुरा में भाजपा की सरकार कभी भी नहीं आएगी और जनजातीय का नेता ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के सहयोगी दल ने त्रिपुरा में एक अलग राज्य की मांग मोदी सरकार से कर दी है। भाजपा देखते हैं अलग राज्य बनाती है त्रिपुरा में एक और या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, राकेश टिकैत ने 35 महीने किसान आंदोलन चलाने का किया ऐलान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर अड़े दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने मोदी अमित शाह को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो किसान आंदोलन 35 महीने चलेगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब भाजपा को सबक सिखाएगा। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को हम सबक सिखाएंगे और गांव-गांव जाकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे और अन्य पार्टियों को वोट देने की अपील करेंगे और भाजपा को हम विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों में हरवाएंगे, तभी भाजपा की अकल ठिकाने आएगी और तभी भाजपा जो है कृषि कानून को रद्द करेगी। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने किया ऐलान, अगर भाजपा को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को होना होगा एक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हमें देश में भाजपा को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक तो होना होगा। भैया आपको बता दें कि ममता बनर्जी सभी विपक्षी दलों को एक करने के लिए दिल्ली आ रही है और दिल्ली में 28 को बैठक भी है। भैया आपको बता दें कि 28 जुलाई की जो दिल्ली में ममता बनर्जी ने बैठक रखी है उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी, NCP, समाजवादी पार्टी और RJT को न्योता भेजा है और ये सभी पार्टियों के नेता ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। भाई ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमें भाजपा को देश में हराना है तो सभी पार्टियों को एक होना होगा, तभी भाजपा हारेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत तनाव के बीच अरुणाचल की सीमा पर पहुंचे सी जिनपिंग, युद्ध के लिए सेना को तैयार रहने के लिए कहा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन और भारत के बीच एक बार फिर से सीमा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच तनाव है। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति सी जिनपिंग एक बार फिर से भारत से लगी सीमा के पास दौरा करने पहुंचे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो है सी जिनपिंग अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक पहुंचे और यहां पर उन्होंने सैनिकों से कहा कि वह युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर आई। इसके बाद सेना ने लद्दाख में 15,000 जवानों को एकदम भारत की तरफ से तैनात कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है और कभी भी युद्ध भारत पर और चीन पर छिड़ सकता है। आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यपाल ने बदला केजरीवाल का फैसला, किसानों के केसों में दिल्ली पुलिस के सुझाव के वकील होंगे पेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जंग छिड़ गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर बने केस के लिए दिल्ली पुलिस के सुझाए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लिस्ट पर मोहर लगा दी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजकर बताया है कि मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है क्योंकि ये अर्जेंट मामला है, इसलिए संविधान में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाव 11 वकीलों को किसानों के मामले में सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। वहीं आपको बता दें क्योंकि केजरीवाल ने पिछले दिनों जो है वकीलों को अपनी इच्छा के अनुसार किसानों के केस लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल के फैसले को फिर से उपराज्यपाल ने बदल दिया और अपनी मर्जी के वकीलों को पेश करने का ऐलान किया। तो किस तरह से किसान विरोधी हैं उपराज्यपाल। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, कांग्रेस के नेता ने नहीं छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में भाजपा को एक बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में खबरें चल रही थी कि 2-3 दिन में कांग्रेस के 9 विधायक जो है इस्तीफा देंगे और भाजपा को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच मणिपुर से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी और किसी ने भी भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। तो ये बड़ा झटका भाजपा को मणिपुर में लगा है। मणिपुर में भाजपा का जो सपना था 9 विधायक कांग्रेस के सब बीजेपी में शामिल होंगे, वो सपना टूट गया और एक भी विधायक ने पार्टी को नहीं छोड़ा। तो झटका बड़ा लग गया है भाजपा को।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु, नहीं किया जा रहा है कोरोना नियमों का पालन, बढ़ेगा एक बार फिर से कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा घाट में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान कहीं पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ। वहीं हर की पैड़ी क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने के प्रशासन के दावे हवा हवा ही साबित हुए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, अधिकतर लोग मास्क भी नहीं पहने दिखाई दिए और जमकर साथ में उन्होंने स्नान किया है। तो किस तरह से भाजपा गुरु पूर्णिमा पर भी अपने जो है नकेल नहीं कस रही है, और एक बार फिर से कोरोना हरिद्वार में बढ़ेगा क्योंकि श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन किया और ना ही मास्क लगाया और ऐसे ही जो है डुबकी लगा रहे हैं पानी में। तो किस तरह से भाजपा हिंदुओं के त्योहारों पर खुली छूट देती है, जबकि मुसलमानों का त्योहार आता है तो उस पर रोक लगा देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश ने बिहार में जातीय जनगणना की मोदी से फिर से मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जातीय जनगणना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातीय जनगणना नहीं कराने की बात स्पष्ट की कर दी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मोदी सरकार से फिर से मांग दोहराई है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में जाति आधारित जनगणना से दलितों के अलावा अन्य गरीबों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा ने 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार से इस पर अवश्य चिंतन करने का आग्रह किया था, लेकिन मोदी सरकार ने नीतीश कुमार के फैसले को जो है नहीं माना था और अब मोदी सरकार से फिर से नीतीश कुमार ने मांग की। अब देखते हैं जातीय जनगणना बिहार में होती है या फिर नहीं। इनको दोबारा